तो भैया आज की डेट में हर मोबाइल में तो ब्लैक लिस्ट होते हैं, उसके साथ साथ व्हाइट लिस्ट भी होते हैं। और ये जो ब्लैक लिस्ट बोलो या तो फिर ब्लॉक लिस्ट बोलो, इसके अंदर भी भर भर के फीचर्स भी होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो ब्लैक लिस्ट है हर फोन में, इसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, लेकिन ये सब अंदर की बातें होते हैं, छोड़िए इन सब बातों को, इस सब बातों में आज हम नहीं जाएंगे। और ये होना भी चाहिए क्योंकि अगर आपको किसी ने डिस्टर्ब करा है तो आप उसे भेज सकते हो, फीचर्स हैं मोबाइल में ब्लैक लिस्ट में भेज सकते हो, और ब्लैक लिस्ट जो है उससे आप बाहर ला सकते हो, उसे आप अगर चाहे तो व्हाइट लिस्ट में भी ला सकते हो। और आज देखेंगे कि ये जो फीचर्स है ना दोस्तों, ये सब के सब मोबाइल में होते हैं आज के डेट में, realme हो सकता है, oppo, xiaomi, samsung, redmi, सब के सब मोबाइल में भी होते हैं। आज देखेंगे इन सब जो मोबाइल है इसका ब्लैक लिस्ट का फीचर्स क्या क्या है और आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ब्लैक लिस्ट बोलो या तो फिर ब्लॉक लिस्ट किसी भी मोबाइल का सेटिंग्स में होता है, तो इसलिए सेटिंग्स खोल लीजिए। और सेटिंग्स खोलने के बाद देखिए जो तरह तरह के मोबाइल में डिफरेंस हो सकता है इसका सेटिंग्स, लेकिन ये सब कॉल के अंदर में होता है, तो इसलिए सिस्टम ऐप्स में क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर सिस्टम ऐप्स के अंदर जो कॉल की सेटिंग्स है दोस्तों, यहाँ पर करना होगा क्लिक। और क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक का, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन खुल चुके हैं, आप मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना होगा, क्या क्या फीचर्स है। देखिए ऊपर में जो है ब्लॉक कॉल्स, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ से सिम नंबर चूज कर लेना होगा। आप ये जो सिम नंबर है दोस्तों, आप फास्ट सिम में देखिए ब्लॉक वन रिंग इनकमिंग कॉल्स, इसे ऑन करने से क्या होगा, आप जैसे देखे होंगे कि एक बार टिंग टोंग, बस ऐसे ऐसे जो मिस कॉल होते हैं दोस्तों, जो एक बार रिंग होता है, इसे ऑन करने से क्या होगा, वो कॉल ही नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। सेकंड जो है तो ब्लॉक हिडन इनकमिंग कॉल्स, इसे ऑन करने से क्या होगा, आप देखे होंगे कि ऐसे भी नंबर से ऐसे भी कॉल्स आते हैं जिनका जो नंबर भी शो नहीं होता है, तो इसे ऑन करने से क्या होगा, वो सब जो कॉल्स होते हैं फेक कॉल जो होते हैं वो नहीं आएगा आपके मोबाइल में, ओके। थर्ड जो फीचर है ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम मार्क नंबर्स, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इसे ऑन करने से क्या होगा, देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये जो सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स नहीं आएगा, हैरासिंग कॉल्स नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट का जो कॉल है वो नहीं आएगा, लेकिन नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि डू नॉट ब्लॉक रिपीटेड इनकमिंग कॉल्स, इसे ऑन करने से क्या होगा, अगर आपको 3 मिनट्स के अंदर बार बार कॉल आते हैं, रिपीटेडली कॉल आते हैं, तो वो कॉल आ जाएगा, उस कॉल को ब्लॉक नहीं किया जाएगा इसे ऑन करने से, ठीक है। ऐसे तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्लॉक ऑल अननोन इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी जिस नंबर जो जो नंबर आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स में जिस नंबर है उससे तो कॉल आएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट्स की जो कॉन्टैक्ट में जो नंबर नहीं है वो अगर कॉल करेगा तो नहीं आएगा, तो इसे ऑन करना भी अच्छा नहीं है क्योंकि अगर कोई कॉल करेगा तो कॉल नहीं आएगा, ठीक नहीं है, तो आप ऑन कर सकते हो आप चाहे तो, ठीक है। ब्लॉक ऑल इनकमिंग कॉल्स, इसे ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, आपके मोबाइल में किसी भी कॉल नहीं आएगा, तो सिम डालने की क्या ज़रूरत है, तो इसे ऑन करने भी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये जो आप सेकेंड सिम भी चूज कर सकते हो, इसे ऐसे इसको ऑफ कर देना का करने के बाद ही आप कर सकते हो, इसे ऑन रहने से क्या होगा, आप इसके अंदर ये सब सेटिंग्स नहीं कर सकते हो, सिम ऑन में कर सकते हो। आप देखिए क्या है, आप ब्लॉक मैसेजेस, आप यहाँ से अपना मैसेज भी ब्लॉक कर सकते हो, जो मैसेज होता है वो भी आप ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और देखिए और फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ब्लैक लिस्ट है यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कॉन्टैक्ट से किसी भी नंबर को बैक कर सकते हो, ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हो, हैं। और व्हाइट लिस्ट जो है यहाँ पर क्लिक करके ये जो ऐड है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो ब्लैक लिस्ट का जो नंबर वो व्हाइट लिस्ट में डाल सकते हो, मतलब वो ब्लैक लिस्ट से आप हटा सकते हो। आप देखिए आप डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वापस आ जाइए और अपना जो सेटिंग्स है वह से भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो। मैंने तो आपको ये सब फीचर्स देखा, लेकिन आप अगर चाहे तो अपना मोबाइल में किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो, अगर आपको किसी डिस्टर्ब कर रहा है आप चाहे तो कर सकते हो। जैसे जो ABC है यहाँ पर करिए क्लिक, ये जो कॉन्टैक्ट से मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए ऐड टू ब्लैक लिस्ट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ऐड टू ब्लैक लिस्ट यहाँ पर करिए क्लिक, वो ब्लैक हो चुका है, ब्लैक हो चुका है मतलब वो ब्लॉक लिस्ट में जा चुका है, आप
वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप कैसे आप इसे हटा सकते हो ब्लैकलिस्ट से, कैसे आप बाहर ला सकते हो, क्लिक करने के बाद ऐसे रिमूव फ्रॉम ब्लैकलिस्ट यहाँ पर क्लिक करिए, वो ब्लैकलिस्ट से निकल चुका है। ऐसे कर सकते हो अगर आप किसी अननोन नंबर से अननोन नंबर को करना चाहते हो, जैसे 123 ठीक है, इसे करना चाहते हो तो यहाँ पर करिए क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद ऐसे ही आप ऐड टू ब्लैकलिस्ट में कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।